कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूं हूं कि अब तक हमने जो भी बात की है वो आपके ध्यान में होगी। आप जब भी टॉयलेट जाओ और टॉयलेट में अगर कोई हो तो आपको गेट बार बार नहीं खटखटाना है। हमने इंतजार करना चाहिए कि जो भी मानस भीतर है वो अपने आप जल्दी से बाहर आ जाए। ऐसे ही जब आप टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको भी बाहर खड़े मानस के लिए टॉयलेट को जल्दी खाली कर देना चाहिए। टॉयलेट को साफ सुथरा रखने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यो पता होना चाहिए कि टॉयलेट का हमें कैसे सही इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमें टॉयलेट के सैनिटरी वेयर की जानकारी होनी चाहिए। तो आओ भाइयों, इनके बारे में समझते हैं। कमोड चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न, फलस का इस्तेमाल आराम से करें, उस ते जोर जबरदस्ती ना करें। फलस में गुटके के पैकेट ना डालें, ऐसा करने ते फलस जाम हो सके है। यूरिनल, टॉयलेट करते टेम ध्यान रखें कि टॉयलेट जमीन पे ना गिरे, और इस्तेमाल करण के बाद नल खोल कर पानी जरूर चला दें और उसे बंद करना ना भूलें। यूरिनल या उसकी दीवार पर थूकना नहीं है, उससे यूरिनल भर जाएगा और आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बेसिन, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोते टाइम ध्यान रखें कि पानी बाहर ना फैले। साबुन को पूरे हाथ पे लगा के अगले मानस के इस्तेमाल के लिए वापस रख दें, फिर हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद उनको रुमाल तक पूछें, उन्हें झटक कर दूसरे मानस पर या दीवार पर पानी की छींटे ना बिखेरें। थूकने के लिए बेसिन का इस्तेमाल करें। थूकते टाइम ध्यान रखें कि वो बेसिन में ही गिरे और उसे पानी चला के बहा जरूर दें। दोस्तों, अगर हम टॉयलेट का सही इस्तेमाल करेंगे तो टॉयलेट साफ तो रहेगा ही, साथ ही खराब भी नहीं होगा। फलस हो, यूरिनल या बेसिन, उनका हमें सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा हमने इभी समझा। तो भाइयों, इब मैं चालू हूं, अगली बार कुछ और जानकारी दूंगा।